बॉलीवुड में सुशांत की मौत के मामले के बाद अब ड्रग एंकल तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कंगना रनौत के सनसनीखेज खुलासों और आरोपों के बाद अब सांसद में राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने आवाज उठाई तो उनके सपोर्ट में कई हस्तियों ने ट्वीट किया। अब हेमा मालिनी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि जया बच्चन ने पार्लियामेंट में जो कहा है वो उससे सहमत है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बॉलीवुड पर लग रहे आरोपों की तुलना कपड़ों पर लगे दाग से करते हुए हेमा ने कहा, ये जो ड्रग्स वगैरह की बातें हो रही हैं वो हर जगह होता है, आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत आया होगा, जैसे कपड़े में कोई दाग लग जाता है लेकिन उसे धोने से वो निकल जाता है, उसी तरह से इसे भी धोने की बेहद जरूरत है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है। कंगना का नाम लिए बिना हेमा ने कहा, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बात करें वो आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। किसी भी कलाकार के ऊपर ये देखकर बहुत ही दुख होता है। जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए परेशान किया जा रहा है, जिन लोगों को इंडस्ट्री ने नाम दिया वही उसे गटर कह रहे हैं, मैं उनसे असहमत हूँ। सरकार को इन लोगों को कहना चाहिए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें। बता दें कि जया के इस भाषण को सांसद रवि किशन और कंगना रनौत से जोड़कर देखा गया है। कुछ दिन पहले ही कंगना ने नेपोटिज्म और ड्रग एंगल पर बॉलीवुड को गटर कहा था और रवि किशन ने भी सांसद के मॉनसून सत्र में बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन पर काफी कुछ कहा था, जिसके बाद बच्चन परिवार से सामने आकर जया बच्चन ने अपना स्टैंड लिया था।